तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप लोग कॉन्करर कैसे लगा सकते हो, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई है जिनका कॉन्करर अभी तक नहीं हुआ। उनको गेम खेले हुए 3 या 4 या 5 या 6 साल हो चुका है, बट उनका अभी तक कॉन्करर नहीं लग पाया। और गाइज, अगर आपका कॉन्करर लगता है, आप अगर कॉन्करर टीयर पे हो और आपके पास वो फ्रेम है, तो आपको हर कोई प्रो समझेगा और आपके टीममेट्स भी आपको प्रो ही समझेंगे। तो गाइज, मतलब जो कॉन्करर फ्रेम है और अगर आप कॉन्करर पे चले जाते हो, तो वो मतलब अलग ही हो जाता है, क्योंकि जो भी प्लेयर कॉन्करर पे जाता है उसको प्रो प्लेयर समझते हैं और उसकी बहुत इज्जत करते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिनको फॉलो करने के बाद अगले सीजन आप भी कॉन्करर चले जाओगे। तो बिना किसी देरी के चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले आप सबको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप सब लोग कॉन्करर किस में लगा सकते हो, सोलो, डुओ या स्क्वाड में। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सबकी रैंकिंग चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो S41 स्टार पे आपको कॉन्करर मिल रहा है सीजन के एंड तक। इसके बाद हम लोग डुओ चेक करेंगे, तो डुओ में आपको चाहिए S20 स्टार। अगर आप सीजन के एंड तक S20 स्टार लगा लोगे तो आपका कॉन्करर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सोलो चेक करेंगे, तो सोलो में आपको चाहिए S13 स्टार चाहिए। अगर आप सोलो में S13 स्टार पे पहुंच जाओगे तो आपका कॉन्करर लग जाएगा। इनमें से आप सब लोग 200 माइनस कर लो, मतलब सीजन के एंड में आपको कम से कम S11 या 12 स्टार पे कॉन्करर मिलने वाला है। और इसके बाद हम लोग थोड़ा FPP भी चेक करते हैं। तो FPP में गाइज आपको S5 स्टार पे कॉन्करर मिल रहा है। एस मतलब अगर आप S5 स्टार लगा लोगे FPP में, वो भी सीजन के एंड में, कैसे आप सोच सकते हो कि सीजन के एंड में इसकी जो हाई रैंकिंग है वो S5 तक ही पहुंची है। मतलब अगर आप स्टार्टिंग में S भी लगा लोगे तो आपका कॉन्करर होने वाला है FPP में। इसके बाद डुओ चेक करेंगे, तो डुओ में आपको S10 स्टार लगने वाला है। अगर आप S10 स्टार सीजन के एंड तक लगा लोगे तो आपका कॉन्करर हो जाएगा। इसके बाद स्क्वाड में देखते हैं, तो स्क्वाड में बस आपको S15 स्टार चाहिए। अगर आप सीजन के एंड तक S15 स्टार लगा लोगे तो आपका कॉन्करर हो जाएगा। इसमें से भी आपको 200 माइनस करना है, यानी अगर स्क्वाड में आपको S15 स्टार पे कॉन्करर मिल रहा है, यानी इनमें आपको S12 या 13 में आपका कॉन्करर हो जाएगा स्क्वाड FPP में, क्योंकि ये जो रैंकिंग है ये टॉप 100 की है, और आपको कॉन्करर लगाने के लिए आपको टॉप 500 में आना पड़ता है। तो गाइज, अगर आप स्क्वाड में रैंक पुश करने का सोच रहे हो, तो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास एक अच्छी स्क्वाड हो, या कोई ऐसे 3 बंदे हो जिनके साथ आपका सिनर्जी बहुत अच्छा बैठता है और वो बंदे भी अच्छा खेलते हैं। अगर बिना स्क्वाड के आप लोग रैंक पुश करोगे तो आपका स्क्वाड में तो रैंक पुश नहीं होने वाला, क्योंकि अभी के टाइम पे सबके पास अच्छे डिवाइसेस है, सबको क्लोज रेंज में मारना आता है, सबको स्प्रेज मारना आता है, तो आपका तो बहुत हार्ड होगा अगर आपके पास स्क्वाड नहीं होगी। तो अगर स्क्वाड नहीं है तो आप डुओ ट्राई कर सकते हो। डुओ में बहुत ईजी है गाइस, डुओ में आपको एक ही बंदा ढूंढना है जो कि अच्छा खेलता हो और उसके साथ आपका सिनर्जी एकदम मस्त सा बैठा हो, उसके साथ आप लोग ट्राई कर लो डुओ में खेलना और तो कॉन्करर पुश करना, तो आप इजीली रैंक पुश कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा कोई बंदा है, एक बंदा है जिसके साथ आपका सिनर्जी बहुत अच्छे से बैठता है और जिसके साथ आप बहुत मस्त खेलते हो, तो उसको अगर लेके आप डुओ खेलोगे तो आपका कॉन्करर पक्का हो जाएगा। बट आपके पास अगर टीममेट भी नहीं है गाइस कोई, तो आप सोलो पे चले जाओ। सोलो में सीन ऐसा है कि आपका कोई रिकॉल नहीं देगा आपको और ना कोई रिवाइव देगा, उसमें आपको अकेला ही खेलना पड़ेगा, अकेले होके ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई आपका टीममेट नहीं होगा, आपको सोलो ही खेलना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा संभाल के खेलना पड़ेगा। बट अभी के टाइम पे इवेंट है, तो इवेंट से आपको एक रिकॉल मिल जाता है, तो सोलो में भी आपको एक रिकॉल मिल जाएगा, तो आप सोलो भी खेल सकते हो, ट्राई कर सकते हो रैंक पुश के लिए। सोलो भी एकदम बेस्ट है, बट इसमें आपको थोड़ा मतलब संभाल के खेलना पड़ेगा। आप ज़्यादा रश मत मारा करो सोलो में, क्योंकि सोलो में अगर आप मर गए तो वहाँ पर आपका बहुत बड़ा माइनस लग जाएगा और आप डीमोटिवेट होकर आप कॉन्करर रैंक पुश छोड़ दोगे। तो सोलो अगर खेल रहे हो तो सोलो में ध्यान रखना कि एकदम मतलब कवर टू कवर फाइट लो, क्योंकि अगर आप ओपन में चले जाओगे सोलो में तो बहुत सारे बंदे होते हैं वो आपको मार देंगे। फिर हम लोग FPP की बात करते हैं। अब तो FPP भी गाइस कोई ईजी नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि FPP में रैंकिंग थोड़ा कम है, तो FPP में मतलब इजीली हम लोग कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि FPP बंदे बहुत कम खेलते हैं और FPP में आपका मैचिंग जल्दी नहीं लगने वाला अगर आप लेट कर देते हो। स्टार्टिंग के 9 या 10 दिनों में आपका जो मतलब FPP गेम प्ले वो आपको FPP में कॉन्करर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 9-10 दिनों में आप कॉन्करर नहीं लगा पाते तो उसके बाद भी आपकी मैचिंग्स होगी, बट मैचिंग लगने में बहुत टाइम लगेगा और आप मतलब बहुत बोर हो जाओगे कि भाई कब मैचिंग लगेगी, कब मैचिंग लगेगी। तो अगर आप FPP में कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग स्क्वाड में करो, क्योंकि स्क्वाड का ऐसा सीन है, स्क्वाड में बिना कोई बंदे के भी अगर आप सोलो होगे
आप आपके चार बंदे ले लो जिनके साथ आप गेम खेलते हो, उन्हीं के साथ खेला करो, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं होगा एफपीबी में उनके केडी का ना माइनस का, तो उनको बोला करो कि भाई मुझे बॉट दे दे और बंदे भी दिख जाए तो मुझे दे देना। तो ऐसे करके आप एफपीबी स्क्वाड में रैंक पुश कर सकते हो और आपको बोर भी नहीं होगा। नहीं तो आप डुओ भी ट्राई कर सकते हो एफपीबी में, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर एफपीबी में रैंक पुश करना है आपको तो स्क्वाड में ही करो, क्योंकि स्क्वाड में आप आपके बंदों को लेके इजीली एफपीबी में रैंक पुश कॉन्करर लगा सकते हो। तो गाइज आपको ट्राई करना है कि स्टार्टिंग के डेज में आप लोग अच्छा खासा प्लस निकाल लो, स्टार्टिंग के 3 या 4 दिन में आप लोग एस लगा लो, क्योंकि अगर स्टार्टिंग के 3 या 4 दिन में आप लोग अगर एस लगा लेते हो तो आपका कॉन्करर पे पहुंचना बहुत इजी हो जाएगा या आप लोग एस पी कॉन्करर मिल जाएगा। तो ट्राई करना गाइज कि स्टार्टिंग के 3 या 4 दिन में आप लोग एस लगा लो, क्योंकि उसके बाद क्या होगा गाइज, अगर आप लोग मतलब आप लोग अगर ज़्यादा प्लस नहीं कर पाते तो आपकी गेम खराब जा रही है, बट बाकी के जो बंदे उनकी गेम तो अच्छे जा रहे हैं ना, तो वो लोग आपसे आगे चले जाएंगे और आपका थोड़ा सा जो प्लस करना है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि बाकी सब लोग हाई टीयर पे पहुंच जाएंगे ज़्यादा प्लस कर लेंगे, तो आपको थोड़ा मतलब तकलीफ होगा प्लस करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को अभी ज़्यादा प्लस करना पड़ेगा। तो आप लोग ट्राई करना कि स्टार्टिंग के डेज में अच्छा खासा प्लस लो, ज़्यादा माइनस मत लो, मैं तो बोलूँगा ना ही माइनस लो, और स्टार्टिंग के डेज में आपको जो 6 घंटे मिलते हैं वो 6 घंटे में आप लोग अच्छा खासा प्लस निकाल लो, ताकि आप लोग 3 या 4 दिन में इस पे पहुंच जाओ। और गाइस स्टार्टिंग के डेज के ये भी फायदे है कि स्टार्टिंग के डेज में आपको अच्छा खासा प्लस मिल जाता है और अच्छी खासी लॉबी भी मिलती है। तो आपको ट्राई करना है कि आप अच्छे खासे किल्स के साथ चिकन डिनर निकालो, और चिकन डिनर के साथ अगर आप लोग चिकन डिनर किल्स के साथ निकाल लेते हो तो गाइस आपका मतलब बहुत मस्त प्लस मिलने वाला है। तो गाइस ट्राई करना कि स्टार्टिंग के डेज में अच्छा खासा प्लस लो और कम माइनस लो। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को अभी खेलना कैसे। तो गाइस बहुत सारे बंदे होते हैं जो कि एग्रेसिव खेलते हैं, जिनको होल्ड करके खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, तो वो सीधा बंदों पे रश मार देते हैं और माइनस ले लेते हैं। तो आप लोगों को वैसे नहीं करना, आपको कैसे खेलना है, स्टार्टिंग में अभी आप लोग अगर इवेंट पे उतरते हो तो वहाँ पे आपको एक रिकॉल मिलता है, तो आप ट्राई करना कि इवेंट पे आप जितने किल निकाल सकते हो उतने किल निकालो, और किल निकाल के आप ट्राई करना कि रिकॉल ले ही लो, और आप लोग अगर इवेंट पे होल्ड करके अच्छे खासे किल्स लेके होल्ड करके रिकॉल ले लेते हो तो नीचे जाने के बाद आप थोड़ा पुश खेल लेना, आप रश खेल लेना और जितने हो सके उतने किल्स निकाल लेना। बट ऐसा नहीं कि मतलब अंधा पुश मारो बंदों पे रिकॉल है तो, आप ट्राई करना कि थोड़ा होल्ड करके ही बंदों को किल निकाल सको। ऐसे नहीं कि कैम करना है रिकॉल है तो कैम कर लेते हैं, नहीं आपको होल्ड करके खेलना है, यानी आपको ज़्यादा कैम भी नहीं करना, ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं खेलना, आपके पास एक रिकॉल है आपको अच्छे खासे किल्स निकालने हैं, और अच्छे खासे किल्स निकाल के भी अगर आप लोग मर जाते हो तो आपके पास रिकॉल तो है ही, रिकॉल होने के बाद आपको पूरा होल्ड करके खेलना है, एकदम लास्ट तक होल्ड करना है, और किल्स निकाल सकते हो बीच में तो निकाल लो, और आपको ट्राई करना है कि आप चिकन के लिए खेलो, क्योंकि चिकन पे ही आपको प्लस मिलने वाला है। किल्स तो आप निकाल लोगे इवेंट पे, बट उसके बाद अगर आप पुश मारते हो तो आपका माइनस भी लग सकता है, क्योंकि आप एक हाई टीयर पे पहुंच जाओगे, एस पे पहुंच जाओगे, तो एस के ऊपर क्या होगा, अगर आप रैंक पुश कर रहे हो और आप किल्स निकाल के मर जाओगे तो वहाँ पे आपका 10 या 9, 8, 9 ऐसा कुछ माइनस हो जाता है। तो आपको ट्राई करना है कि आपका रिकॉल ख़त्म होने के बाद आपको थोड़ा होल्ड करके ही खेलना है, ज़्यादा किसी पे पुश नहीं मारना, आप जितना हो सके उतना होल्ड करो और चिकन के लिए खेलो और किल्स निकालो। तो अभी आप अगले सीजन जब भी रैंक पुश करोगे तो आपको क्लोज रेंज के लिए आपको S12 के या DBS आपको रखनी है, क्योंकि ये दो गन ऐसी होगी जो आपका पूरा गेम चेंज कर देगी। अगर आप स्क्वाड खेल रहे हो, स्क्वाड में रैंक पुश कर रहे हो और आपके टीममेट्स दूर है या आपके टीममेट्स मर चुके हैं, तो आप लोग इजीली DBS या S12 के से वो स्क्वाड को वाइप कर सकते हो। या सोलो या डुओ में आप लोग रैंक पुश कर रहे हो तो उधर तो अलग ही सीन होगा, क्योंकि सोलो में आपके ऊपर कोई बंदा पुश मारेगा तो वो मरना उसका तय ही है, क्योंकि आपके पास DBS या S12 की होगी, आपको एक ही फटके में उसको इजीली मार दोगे। और डुओ में भी वही होगा, दो बंदे अगर आपके ऊपर पुश मारते हैं तो उनको भी आप लोग इजीली DBS से ठाट ठाट करके मार दोगे। बट कभी कभी क्या हो जाता है गाइस, DBS या S12 के से थोड़ा चोक हो जाता है, वो गन कभी कभी बंदे को बुलेट उसकी कनेक्ट ही नहीं होती, क्योंकि आप लोगों का वो DBS और S12 के प्रैक्टिस ही नहीं हुआ होता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो दो वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, DBS और S12 को आप कैसे मास्टर कर सकते हो, वो वीडियो को जरूर
देख लेना और डेली 5 या 10 मिनट वो ट्रेनिंग्स कर लेना, और उसके बाद DBS और S12 के अगर आप चलाते हो तो आपका चोक बिल्कुल नहीं होगा और आपका इजीली अच्छे से रैंक पुश भी हो जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चलो गाइज मिलते हैं एक न्यू वीडियो में अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।